प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। दिल्ली में हनुमान जयंती वाले दिन जब शोभा यात्रा निकली और उसके बाद वहां पर जो भी हुआ उसकी आज एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह से वहां पर अराजक तत्वों ने समस्याएं खड़ी करी और वो समस्या दिल्ली से होते हुए अलग अलग प्रदेशों में भी पहुंची और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया था जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम देश में प्रेम को बढ़ाएं, एक दूसरे के प्रति जो खुशी है उसको बढ़ाएं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार इस तरह की जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं जो कि धर्म के नाम पर थीं, उससे आपसी सौहार्द बिगड़ रहा था, उससे देश में जो शांति थी वो बिगड़ रही थी और एक ऐसा विघटन का माहौल खड़ा हो रहा था जिससे कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति काफ़ी कुछ खड़े सवाल हो चुके थे। फिलहाल जहांगीरपुरी में जो भी हनुमान जयंती वाले दिन हुआ था उसके बाद वहां पर अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया था और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि आज और कल, आने वाले कल में दो दिन इन अराजक तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई है प्रशासन की वो करी जाएगी। कार्रवाई में बुलडोजर वाली कार्रवाई जो कि उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वो कार्रवाई दिल्ली में भी होनी थी और हुई भी। आज सुबह ही जो एमसीडी के बुलडोजर हैं वो जहांगीरपुरी पहुंचे और उसके बाद वहां पर जो अराजक तत्व थे जिनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया था कि उन्होंने अवैध तरीके से अपना निर्माण कराया है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस कार्रवाई को यहीं पर रोक दिया जाए और इसकी सुनवाई की अगली तारीख भी देते हुए ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो स्थिति बनी हुई है उसी स्थिति को बनाए रखना जरूरी है क्योंकि इससे माहौल काफी बिगड़ रहा है। लेकिन उस ऑर्डर के आने के बाद भी ये हवाला दिया गया कि अभी तक उस ऑर्डर की कॉपी अधिकारियों के पास नहीं पहुंची है जो मौके पर मौजूद थे जहांगीरपुरी में, और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी दो घंटे तक ये बुलडोजर की कार्रवाई जहांगीरपुरी में चलती रही। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी वो इलाका है जहां पर ज्यादातर जो कबाड़ी का काम करते हैं, कबाड़ का काम करते हैं वो लोग रहते हैं। ऐसे में उन लोगों की तरफ से किस तरह से अनैतिक, अनऑथराइज तरीके से वहां पर जो एंक्रोचमेंट है वो किया गया था जिस पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये लोग वो थे जिन्होंने शोभा यात्रा के दौरान हनुमान जयंती के दिन काफ़ी कुछ अराजकता फैलाने की कोशिश की थी और उन्हीं को चिन्हित करके उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्तियों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है जो उन्होंने गलत तरीके से बनाई हुई थी। ये एक चीज़ हो गई। लेकिन जो दृश्य निकल कर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जहांगीरपुरी वो इलाका है जहां पर सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते, जहां पर दोनों धर्म के लोग रहते हैं। इन दोनों ही धर्म के लोगों को चिन्हित किया गया था जो उस दिन पत्थरबाजी में या शोभा यात्रा में शामिल लोगों को घायल करने में मौजूद थे, दंगा भड़काने में मौजूद थे और उनके ऊपर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। सवाल ये है कि आज जब ये कार्रवाई हो रही थी तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया उस ऑर्डर के भी आने के दो घंटे बाद तक ये कार्रवाई लगातार चलती रही। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें पेश की गई उसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ सामने रखी गई कि इस कार्रवाई के पहले किसी भी प्रकार से कोई नोटिस जो था वो वहाँ पर लोगों को नहीं दिया गया था, प्रथम सूचना नहीं दी गई थी और इसी वजह से वहाँ पर लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी दखल अंदाजी की। लेकिन सवाल यहां पर यह है, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से लगातार ऐसा माहौल देश प्रदेश में खड़ा किया जा रहा है जिससे दंगे भड़क रहे हैं, तो ये सवाल आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी काफ़ी कुछ आज प्रतिक्रियाएँ सामने रखी हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि एक बार बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि इन जैसी कार्रवाइयों से देश में काफ़ी कुछ बदल रहा है और वो बदलाव माहौल में है, वो बदलाव आपसी सौहार्द में है। इस तरह की चीज़ें कही गई हैं। लेकिन क्या बुलडोजर की कार्रवाई जो आज हुई है ये सही है? क्या बुलडोजर की कार्रवाई आखिरी कार्रवाई हो सकती है ऐसे माहौल में जहां पर
लोगों को सूचना तक नहीं दी गई थी और उनके ऊपर एकाएक इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। उनके जो निर्माण थे, जो उनके घर थे, जो उनकी दुकानें थी, उनको ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह का माहौल देश प्रदेश में क्यों खड़ा हो रहा है, जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, और उसके बाद ये जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है ये आखिर किस हद तक सही है। एक दूसरा मुद्दा भी है आज का, और वो मुद्दा ये है कि लगातार समाजवादी पार्टी से आज़म खान का जो कुनबा है वो नाराज़ चल रहा है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी बीते दिनों। आज़म खान के मीडिया सलाहकार या मीडिया पीआरओ कहा जा सकता है, उसकी तरफ से भी एक बयान आया था, और उन्होंने भी, उनका नाम फजाहत हुसैन है, उनकी तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि जब से आज़म खान जेल में है अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आज़म खान बाहर आए। और आज जयंत चौधरी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा है, जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे थे, उन्होंने आज़म खान के परिवार से मुलाकात की, अब्दुल्ला आज़म खान से मुलाकात की, और उसके बाद इस बात को कहा है कि इस पूरे परिवार के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही गलत हैं। तो क्या जयंत चौधरी को ये जिम्मा दिया गया है कि आज़म खान के परिवार को समझाया जाए, मनाया जाए, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से? ये दो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आप बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने गए हैं, मैं कहता हूं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़ने चाहिए जिन नेताओं ने पैसे खाकर, रिश्वत लेकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कराई। नगर निगम में, एमसीडी में भाजपा पिछले 15 सालों से सत्ता पे काबिज है, ये सारी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ये लोग पैसे खाकर करवाते हैं, खुद करवाते हैं। मेरा ये कहना है कि बुलडोजर चलना है तो उन लोगों, उन नेताओं के घर पे भी चलना चाहिए जिन लोगों ने पैसे खाकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाई। किस ओर चल रही है, आप देख रहे हो हर त्योहार को एक खराब वातावरण में उसको तब्दील कर दिया गया है। जो त्यौहार आपस में मनाने के होते थे, जो भाईचारा बनाए रखने के लिए तो त्यौहार होते थे, एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले में जाके मिठाई बांटते थे, आज तलवार लेके जा रहे हैं। नौजवानों को भी सोचना चाहिए, नौजवानों की इतनी समस्याएं हैं जहां कोई सुनवाई नौजवानों की नहीं हो रही, सेना में भर्ती नहीं हो रही, और सभी सरकारी व्यवस्थाएं चौपट हैं, महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, इन सवालों को लेकर नौजवानों को सड़क पर। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सुधा मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, चौधरी सचिन सिरोहा हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बहुत ही सीनियर दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट आरबी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। सबसे पहले मैं इमरान भाई आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली का मामला है जिस पर हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उठापटक आज हुई है, जयंत चौधरी जो रामपुर गए उस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में जो आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इमरान भाई आप इसको कितना सही मानते हैं, क्योंकि आपके नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही इस तरह की घटनाएं जो हैं देश प्रदेश में फैलाई जा रही हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये जो कार्रवाई आज एकाएक आपके दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुई है, इस कार्रवाई से आप क्या लगता है आपको कि ये कार्रवाई कितनी सही थी? देखिए, दो बड़े प्रकरण हुए हैं। पहला मामला जो हिंसा हुई शोभा यात्रा के दरमियान, जिस तरह की हिंसा हुई, एक बड़ा प्रकरण वो था, और दूसरी जो बड़ी समस्या जो हुई है, जो आज बुलडोजर चलाया गया है, वो एक प्रकरण ये है। ये जो पूरा मामला है कल से लेकर आज तक का, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था जिसमें दंगा करवाया गया, बुलडोजर चलवाया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज के समय में देश के अंदर दंगाइयों की पार्टी बन के रह गई लेकिन है। बीजेपी तो साफ तौर पर इस बात को कह रही ना, बीजेपी तो कह रही की बुलडोजर तो हम चलवाते रहेंगे, बुलडोजर चलता जाएगा, पूरे देश में चल रहा, वो तो खुलेआम कह रहे हैं इस बात को।
देखिए आ रहा हूं मैं अभी बुलडोजर पे, मैं आऊंगा, पहले मैं दंगों की बात कर लूं। ये जिस तरीके से आप जानते हैं कि एमसीडी का इलेक्शन होना है, नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 56 इंची सीना लेकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आती है, लेकिन जहां सामने आम आदमी पार्टी होती है वहां पर उनके हालत खराब हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं जब से एमसीडी इलेक्शन की बात आई है, चुनाव आयोग के जरिए उन्होंने इलेक्शन टालने का काम किया। अब उनको पता है कि एमसीडी इलेक्शन में जैसे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को मुक्ति खानी पड़ेगी, बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 15 साल से एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और जिस तरीके से अवैध जो कंस्ट्रक्शन बताए गए, मैं कह रहा हूँ 15 साल से एमसीडी का शासन वहां पर है, अभी तक पैसे खा खा कर लाखों रुपए खा खा कर एक एक मकान बनाया जाता है। दिल्ली के अंदर हर कोई जानता है कि जब कहीं लिंटर पड़ता है किसी मकान का तो एमसीडी वाले 5 लाख रुपए प्रति लिंटर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल रूपी नेता वहां पर घूमते हैं। तो आप बताइए कि जहां अभी तक ये अवैध कंस्ट्रक्शन कहां था, 15 सालों तक आप अवैध कंस्ट्रक्शन कराने का काम करेंगे और उसके बाद नफरत की राजनीति, आज जब ये आज जब ये इमरान भाई कार्रवाई हो रही थी बुलडोजर वाली, तो आप लोग वहां पर कोई भी आपका नेता वहां पर नहीं पहुंचा, मौजूद नहीं दिखाई दिया, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहां तक बात बार बार आम आदमी, देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है कि इस पूरे मामले को यहां अराजकता फैलाई जाए, नफरत फैलाई जाए, हिंसा की जाए, और जिस तरह की ये घटना हुई है ठीक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि आज देखिए ना तो ये किसी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए मामलों का हल कर रहे हैं, ना तो इनको संविधान पे भरोसा रह गया है, ना तो इनको कानून पे भरोसा है, ना तो इनको लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल है, ना तो इनको संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आदेश किया, ये उसको मानने को तैयार नहीं है, दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा तब जाके कार्रवाई रुकती है। तो इस तरह का अराजक माहौल बनाए रखा है भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इसी तरीके से संविधान को, कानून को, लोकतंत्र को ताक पे रख के कार्रवाइयां की जा रही है। सवाल अभी भी यही है इमरान भाई कि आप लोग वहां पर नहीं मौजूद दिखाई दिए। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी चाह क्या रही है, आप भारतीय जनता जो चाह रहे थे उन्होंने कर दिया, आपको भी तो कुछ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो वो करना चाह रहे थे वो अभी जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं। अभी तो पूरे दिल्ली को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, वो पूरे दिल्ली में नफरत की आग को सुलगाना चाहते हैं, वो पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए कितनी अजीब विडंबना है कि अगर दुनिया में कहीं पर कोई बलात्कार करेगा, कोई हत्या करेगा, कोई दंगा करेगा, कोई बलवा करेगा, कोई हिंसा करेगा, तो उसे जेल में डाला जाएगा। लेकिन आज भारत को एक ऐसा देश भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि जो भी इस तरह का कुकृत करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में उसको सम्मानित किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में दंगाइयों के समर्थन में, बलवाइयों के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। तो इस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है। हमारा स्पष्ट कहना है जो बुलडोजर चल रहा है आज, जो पूरा मामला है, दरअसल ये मामला गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है नफरत फैलाने का, दंगाइयों की फैक्ट्री बन के भारतीय जनता पार्टी रह गई है। अगर ये बुलडोजर कहीं चला, सारे मामलों को अगर खत्म करना है, अगर सारी नफरतों को खत्म करना है, नितिन जी बस 15 सेकेंड। अगर ये बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे चल जाए, अमित शाह जी के घर पे चल जाए, अमित शाह जी के मंत्रालय के ऊपर जो उनसे मंत्री पद छीन लिया जाए, तो अभी देखिए सारे के सारे मसले का हल हो जाएगा, ये ना नफरत फैलेगी ना दंगा होगा। ठीक है। सुधा मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सुधा जी, आज जो कार्रवाई दिल्ली में हुई बुलडोजर वाली, उसको लेकर के अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है, कांग्रेस का क्या पक्ष है, कांग्रेस इस कार्रवाई को किस नजर से देख रही है, कितना सही है ये? जी अर्थिन जी, जो सबसे बड़ा प्रश्न है आज देश के समक्ष कि हम राष्ट्रवाद के नाम पे, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे देश में कौन सी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं, हम इसे खुद नहीं जानते हैं। आज जो घटना हुई है,
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सामने आके किसी चीज को रोकने के लिए देना पड़ रहा है, और उसी सुप्रीम कोर्ट को आके आशीष मिश्रा के जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी, आपने अगर दोनों चीजों को मैं जोड़ के देखूं इस बात को कि वहां पे आशीष मिश्रा के जो उनकी जमानत मिली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, और क्यों लिया गया ये सब आप जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो ये सब हो रहा है, आप देश के हित में कोई कार्य करना चाहते हो तो सबसे पहले देश की जो पूरा संस्कृति है, जो अनेकता में एकता हम कहते नहीं, हम जीते हैं उसको, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म जाति के लोग हो, हम उत्तर से लेके दक्षिण पश्चिम से लेके पूरा भारत में जितने लोग हैं, हर धर्म के लोग भी अलग अलग संस्कृति को जीते हैं, ये भारत की संस्कृति कहती है। दक्षिण भारत का हिंदू, उत्तर भारत का हिंदू, या पश्चिम भारत का हिंदू, या फिर मुसलमान, आप सबकी संस्कृति सब अलग मिलेंगे, सबके संस्कार अलग मिलेंगे। लेकिन आप एक छद्म राष्ट्रवाद के नाम से युवाओं में जो उन्माद फैला रहे हैं, और आप एक संदेश दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या हमारा कर लेगा, हमें जो करना है हम कर देंगे, आखिर आप देश को कहां झोंकना चाहते हैं? जो घटनाएं हुई, आपको अगर मालूम था कि ये इलाके संवेदनशील हैं, ये जो चलते हैं लाइनें कि ये इलाके संवेदनशील हैं, जब वो इलाके संवेदनशील हैं आपको पता है, तो क्या उसके पहले वहां पे कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आप किस बात का इंतजार करते हैं? और आप भी जानते हैं कि जितने अतिक्रमण होते हैं उस अतिक्रमण का पैसा नगर निगम के अधिकारियों के जेब में जाता है, ये सबको मालूम है, उन लोगों के सह पे वो कार्य हो रहा होता है, उसके बावजूद आप कहते हो कि हम बुलडोजर की संस्कृति लाएंगे, तो इसका मतलब है कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्टों को बंद कर दिया जाए, आपकी हिटलर शाही शुरू हो जाए। आप देश में पूर्णतः युवाओं को जो दिशा देना था, जो संस्कृति के प्रति उनको संज्ञान देना था, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। आपने इतनी अंधेर मचा रखी है कि आपने अति ही कर दी है, और फिर आप कहते हैं कि बाकी लोग सेकुलर हैं, देश के भला नहीं चाहते हैं, पता नहीं कौन कौन से राग अलापते हैं। राग अलापने से अच्छा है कि जो आपने आज कृत किया है, जो दंगाई हो, जब बलवाई हो, आप लोग पार्टी में उनको पूरा पूरा स्थान देते हो। आप शाहीन बाग में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा गोली मारो, वो आपसे निकलता है, आप उसको सम्मान देते हो, उसको मंत्री पद तक दे देते हो, आप उसी व्यक्ति को आगे प्रमोट कर रहे हो, और आप कहते हो कि अपने देश से हम दंगाइयों के घर बुलडोजर, तो सबसे पहले बुलडोजर वहां चलाइए जो उस उन्माद को फैला रहे हैं, जिनके कारण आज जहांगीरपुरी में स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें दंगाई जो होंगे 1, 2, 3, 10, 15, 20 परिवार से बचे बच्चे होंगे, जिनका परिवार से संबंध वो परिवार जानता भी नहीं होगा। आप जानते हैं एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, 5 में से एक डॉक्टर बन रहा है, एक इंजीनियर बन रहा है, एक उसी में अगर बलवाई बन गया है, तो क्या पूरा परिवार उसके साथ भुगतना चाहिए? नहीं। आपको देखना है कि कौन वो कारण है। अगर एक परिवार में 5 तरह के लोग रहते हैं, तो एक घर में भी 5 तरह के वहां पे लोग हैं, एक दंगा करवा रहा है, उसको पकड़ के सजा दीजिए, पूर्णतः सजा दीजिए। लेकिन इस तरह से जिस अतिक्रमण को करने के लिए आपने पैसा लिया, अब उसी अतिक्रमण को दिखाने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं, और जब वो बुलडोजर आगे बढ़ता है, कहीं रुक रहा है, कहीं चल रहा है, इसका आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में? इसके चीजों को, रेखा जो होती है मध्य की, उसको जांचना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और युवाओं को ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है देश में आज के समय में कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे स्टे आर्डर देना पड़ रहा है कि जो स्थिति है बना के रखिए, उसके बाद 2 घंटे वही कार्य हो रहा होता है, आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सुधा जी, मैं आता हूँ फिर। सचिन सिरोहा हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं। सचिन भाई, आज जयंत चौधरी रामपुर गए थे, चौबे जी कह रहे हैं कि आप लोग क्या कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो जयंत जी को जिम्मेदारी दी गई है कि जाइए परिवार को मनाइए, आजम कुनबे को मनाइए, ताकि वो कुछ अलग अलग ना हो जाए, कुछ था क्या ऐसा? नहीं, ये सब मन गलत बातें हैं। अगर जयंत चौधरी की आज रामपुर गए थे, लक्ष्मी आपका ऑडियो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है सचिन भाई। वहाँ जो किसानों को लोन दिया था आशीष मिश्रा के द्वारा, तो उस प्रकरण में जो किसानों को चोटें आई थी, घायल हुए थे, तो वो उन घायल किसानों के लिए, और उस कांड के जो गवाह है उनपे जानलेवा हमला हुआ था, गंभीर चोटें उन्हें आई थी, तो उनका हालचाल जानने हो गई थी, और इसी कड़ी में जब वो वहां से जा रहे थे, तो वो रामपुर भी आदरणीय आजम खान साहब के घर पहुंचे थे मिलने, तो ये एक सामाजिक सद्भाव वाली मुलाकात थी, शिष्टाचारी भेंट थी, और पुराना नाता। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने गए थे? नहीं, डैमेज कंट्रोल वाली कोई बात है ही नहीं, तो भी ना कोई ऐसा मसला अभी सामने है कि ना डैमेज है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, ये दिल्ली वाली जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या पक्ष है आप लोगों का, क्या लगता है?
दीदी हम चाहते हैं कि जो भी कावल हुए वो मिल सके, ये जात धर्म संप्रदाय और अपने लोगों को देख के कार्रवाई ना हो। जैसे कि अभी लखनऊ में एक जगह बुलडोजर गया, आपकी जानकारी नहीं होगा, वहाँ विधायक जी चले गए तो बुलडोजर वाला। अच्छा, देखिए आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज 11 बजे आ गया और लगभग 1 बजे तक कार्रवाई चलती रही, बहाने से भी हमारे पास आदेश नहीं था। तो ये मतलब एक तरह से टारगेट करके कार्रवाई करना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। ठीक ठीक है, आप आज सत्ता में है कल नहीं है, ठीक, तो मैं समझता हूँ बहुत सच्ची संकेत नहीं है। ठीक है ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। चौबे जी, आपने सबकी बात सुनी, इमरान भाई की भी सुनी, आम आदमी पार्टी से हैं, दिल्ली में सरकार है इनकी, सुधा मिश्रा जी ने भी क्या कहा आपने सुना, जवाब क्या है? नितिन जी, आप देखिए कि इन लोगों ने किस प्रकार का चश्मा लगा रखा है। इनके पास, जानते हैं, इनके पास दो चश्मे हैं, जिससे हमने आपसे कहा ना कि दोहरी नीति वाले हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इस देश का जो है माहौल बदल गया है। इस देश में हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों को सताया जा रहा है। ठीक, जरा इनसे एक सवाल पूछिएगा कि इस देश का बंटवारा किसने किया था? उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? इस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर किसने किया था? ये सच को झुटलाते हैं। इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनने से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे 1200 से अधिक हुए, जिनमें माननीय स्वर्गीय नेहरू जी की सरकार में 250 से अधिक दंगे हुए, इंदिरा गांधी जी की सरकार में 500 से अधिक दंगे हुए। गांधी भाई सुन लीजिए, फिर आऊंगा जी, बिल्कुल। आप लोग सुन लीजिए, मैं आऊंगा। राजीव गांधी जी, क्षमा करिएगा, राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार में भी 500 से अधिक हुए। और तो और ये बताइए, ये मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ था? ये कहां, उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम कराया था? भागलपुर का याद करिए, भागलपुर का दंगा जिसमें 1000 से अधिक हिंदू मारे गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये सोचिएगा गहराई से, सूरत में, अहमदाबाद में, ये दंगों का इतिहास है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम कराया था। और सुनिए, इस लखनऊ में आइए, ये उत्तर प्रदेश है। आपको बता दें कि माननीय कल्याण सिंह जी से सरकार बनने से पहले यहां हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, यहाँ पर जब जो है ताजिया निकलता था तो यहाँ जो है सिया सुन्नी का ही होता था, और कितने दंगा होता था और कितने मुस्लिम भाई मर जाते थे। लेकिन इसको किसने शांत कराया? जब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, एक दंगा नहीं हुआ है। दंगाई जो है, अगर दंगा करने की कुछ चेष्टा करते हैं तो उनको उनकी सजा मिलती है। अच्छा, इन लोगों को दिक्कत बुलडोजर से है। सुनिए, हाँ। आपने इतने लोगों का समय दिया, आप लोगों ने इतने लोगों का पक्ष रखा, हमें भी पक्ष रखना, पूरा रखिए, पूरा रखिए जी, बिल्कुल। हाँ। हम बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने को आपने 20 मिनट दिया, हमको 2 मिनट में ही टोका ना, 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 मैं सवाल रख रहा था, जानिए ना, बुलडोजर से इन लोगों को दिक्कत है। अरे बुलडोजर से इनको दिक्कत नहीं है, इनको आतंकवादियों के ऊपर जो चल रहा है वो उससे रोते हैं। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा, जब आतंकवादी मरते हैं तो रात में रोती हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है कहती हैं कि जो टुकड़े टुकड़े करने वाले इस देश की नारा लगाते हैं वो नादान हैं। और जो हिंदू अपना धर्म, अपनी संस्कृति को मनाते हुए, अपनी शोभा यात्रा हनुमान जयंती मनाते हुए निकलता है, तो उनको ये दंगाई बोलते हैं, उनको ये आतंकवादी बोलते हैं। ये निर्लज लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। ये बताइए, मन बताना आपको हजारों, मैंने सूरत, अहमदाबाद, भागलपुर, कहां कहां ये दंगा, इस देश का बंटवारा किसने कराया था? बल्कि इनका असली चेहरा है, ये लोगों को लड़वाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, और फिर बाद में उसी के लाश पर ये देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बनते हैं और एक तरफ उनके मित्र पाकिस्तान में बनते हैं। तो इन लोगों का इतिहास अगर आप देखेंगे ना, ये जो बार बार 2014 के बाद ये कुछ नहीं,
अभी आतंकवादियों पे कोई बात होती है तुरंत ही रोना शुरू कर अच्छा, देते एक चीज और है सुनिए और वही कोई अगर हिंदू मरता है तो इनका सांप सूंघ जाता है। सवाल तो ले लीजिए, ये लोग कह रहे हैं कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 11 बजे फैसला सुना दिया लेकिन तब भी आप लोग 1:30 बजे तक अपना कार्यक्रम चलाते रहे, क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट की बात मानने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट ने की सरकार को क्या कहा था? सीबीआई को सबको पता है, पिंजरे में कैद तोता, तोता किसने कहा था, किसके लिए कहा था? देखिए देश की जनता जो है सब जान रही है, बार बार जा रहे हैं ना चुनाव में, 2014 के बाद हमने किया, हमने हिंदू मुस्लिम किया, उसके पहले ये 1200 दंगे कहा किसने कराए थे, हजारों हिंदुओं को किसने मरवाए थे, सिखों को किसने मरवाए थे, भाजपा ने मरवाए थे। देखिए इनका असली चेहरा जनता जान चुकी है, ठीक है। और 2014 के बाद लगातार इनकी यही तुष्टिकरण की नीति, यही इनका दोहरापन इनको जो है चोट दे रहा, देश की जनता वोट के माध्यम से इनको चोट दे रही है। लेकिन शायद लग रहा कि अभी ये पूरी तरह से अपना जो है बिल्कुल धरातल बराबर अपना नष्ट कर देना चाहते हैं, बिल्कुल समतल हो जाना चाहते हैं, कोई जनाधार इनका ना बचे, अभी भी ये उसी पथ पर चल रहे। मतलब ये बुलडोजर वाला चलता रहेगा। सुनिए, अरे हमने नहीं कहा, हम नहीं कह रहे, इनके खुद जब 2014 में ये हारे थे तो इन्होंने हार के लिए एक समिति बनाई थी, जो एंटनी साहब जो केरल के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि आपकी पार्टी हिंदुओं की विरोधी पार्टी हो गई है, आप हिंदुओं में हो गए हो कि आप जो है तुष्टिकरण कर रहे हो। ये हम नहीं कह रहे, इनके स्वयं जो हार के लिए बनी थी उस समिति ने कहा था, ठीक है। तो चिंतन ये करे। और रही बात बुलडोजर की, बुलडोजर पे आइए तो बुलडोजर देखिए चलेगा, ये नियम नहीं चलेगा कि आप लोगों को मारो, लोगों को जलाओ, उनके घरों को तोड़ो और फिर जाओ 2 दिन बाद जमानत लेकर चले आओ और फिर उसी लाइन में लग जाओ, बिल्कुल नहीं, भरपाई होगी। यदि आप लोगों के घर तोड़ोगे, आप लोगों के वाहन जलाओगे, आप लोगों को जो है इमारतें गिराओगे, तो आपको भी उस करनी की सजा वैसे ही मिलेगी। ठीक है चौबे जी, ठीक है। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। सर, दिल्ली में जो हुआ उस कार्रवाई को लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, वो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है देश प्रदेश में तब से इस तरह की समस्याएं बढ़ी रही हैं और एक अलग एक विशेष वर्ग के ऊपर बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां करी जा रही हैं। आप इस बात से कितना सहमत है, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए राजनीतिक लोग हैं, जैसे हम राजनीति करेंगे और अपने राजनीतिक चश्मे से सब चीजों को देखेंगे, लेकिन यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता, इतिहास गवाह है। मंदिर तोड़े गए, धर्म परिवर्तन हुए, मार काट हुई, क्या नहीं हुआ। 1947 में इस देश का बंटवारा भी धर्म के नाम पर हुआ और सब भाईचारा, अमन, सौहार्द, ये सारे जो शब्द है ना, ये कश्मीर में क्यों बेमानी हो जाए? जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होता है, अपने ही देश का संविधान, अपने ही देश की सरकार है, वहां आज तक न्याय नहीं दे पाती है और आज भी कश्मीरी पंडित इसी देश में, इसी संविधान के अंदर, इसी व्यवस्था में विस्थापित जीवन जी रहे। बहुत अच्छे लगते हैं, सब का अपना एक महत्व होता है, लेकिन वही शब्द महत्वहीन हो जाते हैं जब जम्मू कश्मीर में अत्याचार होते हैं और कोई नहीं बोलता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, ना कोई वर्ग विशेष बोलता है और उसको जायज ठहरा दिया जाता है। तो देखिए दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, ये यहाँ पर जो लोग थे, देखिए धर्म के आधार पर क्या था कि मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान के अंदर रहें। लेकिन तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने ये सुना कि भाई नहीं, हम भारत में रहेंगे और यहाँ जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि जो रहना चाहे स्वेच्छा से वो यहाँ रह सकता है और मैं ये मानता हूँ कि इससे बेहतर जमीन, इससे बेहतर देश इस दुनिया में नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लीजिए, मुफ्त आपको राशन मिलेगा, मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त पानी मिलेगा और पेंशन भी मिल सकती है। तो रोहिंग्या यहाँ आकर बसेंगे, बांग्लादेशी यहाँ आकर बसेंगे, पाकिस्तान से भागेंगे तो यहाँ बसेंगे, अफगानिस्तान से भागेंगे तो यहाँ बसेंगे और फिर बसने के बाद
देखिए ये जो हिंदू संस्कृति है ये है कि सबको हम सद्भाव की नजर से देखते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी तो सद्भाव की नजर से देखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक दिल में एक जगह बनाकर रखनी चाहिए कि जिस आदमी ने अपने घर में जगह दी है आप उस व्यक्ति को घर से बाहर करने की कोशिश करें तो वो जस्टिफाइड नहीं ठहराया जा सकता। और उसी का परिणाम है, देखिए आप कहते हैं कि बीजेपी आई तब से दंगे हो रहे हैं, तो दंगे तो 1947 से हो रहे हैं और उससे पहले से हो रहे हैं। ये औरंगजेब आया उसने भी धर्म के नाम पर कर्म के नाम पर मंदिरों को तोड़ो, ये क्या हुआ था जी। क्या था वो? गंगा जमनी तहजीब थी, सौहार्द था, भाईचारा था, क्या नाम देंगे क्या शब्द देंगे? तो बीजेपी नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता हूं जी। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन देखिए बुलडोजर चलना चाहिए। जो लोग अवैध कब्जे कर लेते हैं है। पूरी सड़क घेर लेंगे, सरकारी जमीन घेर लेंगे, फिर वहां धार्मिक स्थल बना लेंगे, वहां रहेंगे, फ्री की बिजली फ्री का पानी, ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मान लीजिए किसी ने एमसीडीए का अधिकारी ने पैसा लिया है, पैसे लेने के बाद जो अवैध निर्माण है वो वैध नहीं हो जाता, क्या आपको वैध मान लेंगे? मान लीजिए किसी ने रिश्वत देके सड़क पर कब्जा करा दिया तो क्या उसे तोड़ा नहीं जाएगा? आज नहीं कल अवैध अवैध रहेगा और उस पर कार्रवाई होनी। ठीक ठीक है सर, ठीक है। इमरान भाई क्या कह रहे थे आप, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और फिर दूसरे प्रवक्ता जो जिन्होंने आप जिसको आपने वरिष्ठ पत्रकार बना के बैठा है शायद वही भारतीय जनता पार्टी से ही संबद्ध है। अरे वरिष्ठ पत्रकार है वो दिल्ली से। नहीं नहीं वो मतलब भाषा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसी ही लग रही, क्योंकि चौबे जी कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा इस चीज का। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी अभी इन्होंने जिक्र किया राष्ट्रवाद का, अभी ये कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे थे, आप बताइए कश्मीरी पंडितों का ही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नंबर दो ने जो भी रखा है उसी पे मैं बात कर लूं। पिछले 7 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों प्रवक्ताओं की सरकार है। अरे दो प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं भाई आप, सात, ये तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं बोल सकते। 7 साल नहीं इमरान भाई ये गलत बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7 वर्षों में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या काम किया है जरा सही बता दें। सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पे उन्माद फैलाने का काम करेंगे, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर नफरत कश्मीरी पंडितों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, संपत्ति छीनी जाएगी और उनकी कोई आवाज भी नहीं आ सिर्फ अपनी गंदी और ओझी राजनीति के लिए किया है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात अभी उन्होंने जिक्र किया आतंकवादियों का, अरे भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो उस महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बनाने का काम करती है जिसने अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का काम नहीं किया। आप बताइए तो ये इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है, इन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया, इनके जो आइडियल है इनके जो आदर्श है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, उनकी हिंदू महासभा ने, कितनी बातें हैं कितनी चीजें हैं, शुरू से लेकर आज तक इनका यही किरदार है। अब आज आ जाइए, मैं कह रहा हूँ कि अफजल गुरु से लेकर और आज जहांगीरपुरी तक आ जाइए, जिस अंसार को पकड़ा गया है, जो अंसार इस घटना का मुख्य आरोपी है पूरे दंगे का, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि दुगनी कार्रवाई किसी अगर किसी दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए शोभा यात्रा निकली, शोभा यात्रा की अनुमति नहीं ली गई, बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकली। मैं यहाँ किसी धर्म विशेष के ऊपर कोई तमगा नहीं लगा रहा हूं। चौबे जी कुछ कह रहे हैं, इमरान भाई चौबे जी कुछ कह रहे हैं, जवाब ले ले फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। हां चौबे जी से पूछिए कि वो सभासद वो पार्षद याद है कि नहीं कि जिसके घरों से बम चले थी, गोलियां चले थे, पत्थर पेट्रोल बम चले थे और तलवार चले थे, वो कौन था जरा बताइएगा? वो भाजपा के थे ना? नहीं नहीं वो भाजपा के थे ना?
बोल दीजिए बोल दीजिए, सब भाजपा के थे तो वो बोल दीजिए, वो भाजपा के थे। अनुराग ठाकुर ने दंगा फैलाने का काम किया, अरे तो गद्दारों को क्या फूल माला पहनाया जाएगा? अरे वो छोड़िए, हम कह रहे हैं गद्दारों को क्या, अच्छा बताइए गद्दारों को क्या मिलना चाहिए, फूल माला? भारतीय जनता पार्टी, अरे आप बताइए गद्दारों को क्या मिलना चाहिए? कर्मचारियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हिंसा करने वालों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आतंकवादियों की पार्टी है सामान्य सा उत्तर दे दो, पार्टी दंगाइयों की पार्टी, दंगाइयों की पार्टी है। इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं बुलडोजर कहीं नहीं चल रहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तो चलना चाहिए। ओ साहब सुन लो, गद्दारों को क्या मिलना चाहिए, फूल माला, उनको प्रशस्ति पत्र, के साथ आप खड़े रहे पीडीपी के पास, क्या? सरकार आपने बनाई को क्या मिलना चाहिए? 52 साल तक तिरंगा आपने नहीं फहराया, अरे आप जो है ना गद्दार तो आप हैं, अंग्रेजों की मुक्ति जिंदगी भर आपके आपके पूर्वजों ने की है, ठीक है ना? अब वो देश जा चुका है, सरकार आपने बनाई, अंग्रेजों की मुक्ति आपने की, साइन आपने किया, अरे आप कितनी की बात करते हैं, आपने शिवाजी को लुटेरा बताया और जो है औरंगजेब को विजेता बताया कि वहां पुराने के जीत, और शिवाजी को आपने कहा कि उन्होंने सूरत के लूट के, करिए ये उन्माद फैलाने से काम नहीं चलेगा। आपने अब आप लोग की सच्चाई असली बाहर आ रही है, तो जो भी आतंकवादी पानी डाला जा रहा है, वो बिलबिला कर बाहर आ रहा है, दीवानों के खिलाफ गवाही देते हैं, अभी तक सिर्फ एक तुष्टीकरण के लिए सरकार चलाते थे आप, पीडीपी के साथ सरकार चलाई आपने, वो पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देती है उसके साथ सरकार चलाई आपने, आतंकवादियों के साथ। ठीक है इमरान भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इमरान भाई, ठीक है ठीक है। सुधा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही, सुधा जी। जी नितिन जी, सबसे पहले आपने देखा है कि जितनी बातें चल रही हैं, इन बातों के चलने में जिस तरह से हम बार बार इतने आक्रोशित हो जा रहे हैं, मतलब बात को कहने में, और जहां तक जो भाई ने हमारे चौबे जी ने बात की कि 1947 में हमारे देश का सबसे बड़ा इतिहास, जो हम स्वतंत्र होने के समय जो विभाजन हुआ था, आज भी उसी की वजह से वो दंश हम झेल रहे हैं, ये हमने जाना है, पढ़ा है, समझा है, तभी हम जानते हैं, तभी हम चाहते हैं कि जिस धर्म के कारण ये बंटवारा देश का होना पड़ा, जो हम जम्बूद्वीपे कहते थे, उस देश को बांटना पड़ा, जिसकी वजह से 1970 में भी वही होता है और दो देश फिर बंट जाते हैं, वो दंश हमारे देश के कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी में कुलबुलाता है आज भी। वो गलत था, सबको मालूम है, वो ना होता तो शायद हम विकास के और प्रतिवान सर मैं बोल गढ़ रहे होते, सबको मालूम है कि वो गलत था, लेकिन उसके होने के बीच में अगर कोई और रास्ता होता तो वो किया गया होता, तो अपने देश के महापुरुषों को जिनका नाम लेके आप कभी पटेल जी का, कभी गांधी जी का, और आप नेहरू जी को इस तरह गिरा के जो बातें करते हैं, आप लोग कृतज्ञ हैं, आप लोगों को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि हमारा देश जिस स्थिति में आपको मिला है, आप उस विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे हो, आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए, फिर भी आप लोग ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? हमारा हिंदुत्व, एक लाइन में बोलती हूँ ऋग्वेद की, कि ऊर्ध्वाम दधाना सुचिपेंशधियम, जो विद्वान लोग होते हैं अपने बुद्ध से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल उत्तम कार्यों में लगाते हैं, हम कहाँ लगा रहे हैं? हम रिले दौड़ में चलने के, रिले दौड़ क्या होती है, एक आया, एक ने आपको मशाल दी, आपको आगे दौड़ना होता है। जो देश की परिस्थितियां थी, हम जिस स्थिति से निपट के आगे बढ़ रहे थे, बातें कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए तो आप कुछ भी कह लो, लेकिन जिस गरीबी, जिस चीजों को लेके जो लोग हमें लूटने आए थे, लूट के सब कुछ ले गए थे, हमें उस स्थिति से अपने आप को आगे बढ़ाना था, विश्व के पटल पे अपने आप को लाना था, हमें गर्व है कि हमने उन स्थितियों से लड़ते, कुछ ना कुछ करते हुए अपने आप को यहां तक आपको दिया, और आप अब क्या कहते हो कि किसने क्या कहा? अपने पूर्वजों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति आप पटेल जी को कहते हो कि हाँ हमारे हैं, कैसे आपके हो सकते हैं? वो मैं पहले पूरी बात कर लूं, फिर आप चौबे जी बोलेंगे, उसके बाद आते हैं आपके पास ही आएंगे। जी चौबे जी बोल दीजिए। सच को कितना झुटला लिखा, कितनी बढ़िया सी ये जो है एक वकील की तरह बार बार उसको ढकने का कोशिश करती है इन्होंने, लेकिन इन्होंने अभी नहीं कहा कि 1200 दंगे क्यों हुए, वो जड़ क्यों, क्या जड़ खत्म हो गया था 1947 में? अरे वो जड़ समाप्त होने उसी समय कर दिया गया होता, लेकिन इनकी तुष्टिकरण देखिए 1900, रुक जाइए आवाज नहीं होने देगी, अरे नहीं ना रुक जाइए ना, विनम्रता सबसे जरूरी होती है। ठीक है, हम विनम्रता से ही बात कर रहे हैं, रुक जाइए आप बीच में, हम आपके बीच में नहीं, हमने इशारा किया था कि हम बोल रहे हैं, हमने रुका नहीं था, विनम्रता ये रखिए। ठीक है, ये बताइए इन्होंने आते ही तुष्टिकरण ये किया 1963 में हिंदू जो है विवाह को डिल वाला बना दिया इन्होंने, उस समय भी अरे जब धर्मनिरपेक्ष देश था, सब एक समान है, तो फिर मुस्लिम क्यों छोड़ा?
उसके बाद उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कोई मान्यता नहीं मिलेगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को इन्होंने दर्जा दिया, जामिया मिलिया को इन्होंने दर्जा दिया, विश्वविद्यालय भी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनते तो जाइए, सुनिए, गलत चीज नहीं कर सकते आप। हमारे अगर पास अलीगढ़ है, तुम्हारे पास काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी है, और सुनते जाइए, दोनों बात किया करिए। और क्या हुआ जब जो मैं बोलूं, जब तलाक तलाक के उसी मामले में हिंदू जेल जाता है, ठीक है, तलाक के उसी मामले में उसको मुआवजा देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, लेकिन इन्होंने क्या छूट दिया आपको? इन्होंने क्या छूट दिया? नहीं नहीं, वो अलग है, वो विशेष क्यों बनाए भाई, क्यों विशेष बनाए? जब आप कहते हो, आपसे ज्यादा झूठा कोई नहीं है जो कहता तो है कि लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित आपने किया। नितिन भाई, मुझे हिंदू होने पे, मुझे अपने राष्ट्रवादी होने पे गर्व है, मैं सबको है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और मैं ऐसी जो तुष्ट शब्द, जहाँ तक शब्दों को पकड़ना है तो मैं चौबे जी को एक करेक्ट कर दूं। पहले अभी इन्होंने हनुमान जयंती बोला था, सबसे पहले अगर आप हिंदू धर्म के होने के इतने बड़े वो है, मानते हैं राष्ट्रवादी, जयंती जो लोग मरते हैं उनकी मनाई जाती है, हमारे देवताओं की जयंती नहीं, जन्मोत्सव होता है, पहले उसे करेक्ट करिए। जिसको ये शब्दों के मायने नहीं पता है वो तुष्टिकरण या कुछ लेके और क्या कहेगा। और दूसरी बात, जब मैं कोई बात कह रही हूँ उस बात को पॉलिश नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए क्या चीज़ें उसमें हीलिंग करेंगी और क्या उसको डिस्ट्रॉय करेंगी। मैं हील की बात कर रही हूँ, जो चीज़ गलत था उसे दूर करके। मैंने पहले कहा था रिले दौड़ है, अगर आपको किसी कोई चीज़ मालूम है गलत है, सरकार में हम नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जनता ने अस्वीकार किया है, जनादेश ये कह रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिस स्थिति में देश मिला है उसको और बेहतर स्थिति में ले जाएं। उसमें पीछे मुड़के कि तुम धीरे दौड़े थे, हम तुमसे धीरे दौड़ेंगे, तुमने ये किया था हम उसका दुगना करेंगे, तुमने ये किया था, अरे वो चीजें वर्तमान की नहीं है। हमारा साहित्य, हमारा समाज जो होता है ना, वो चाहता है कि वर्तमान में हम इतना बेहतर कर दें कि आने वाली पीढ़ियां हम पे गर्व करें। और आप लोग हमारी पीढ़ियों को गलत सूचना व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी बना के आधी अधूरी, अभी आपने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं बताती हूँ कि हमारे पास काशी विश्वविद्यालय भी है। तो जो विश्व, जो हमारे देश में हो रहा था उस पे आप क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं? मजदूरों को सरकार, सरकारी नियंत्रण में, देखिए कितने मस्जिद सरकारी नियंत्रण में है। पहली बात आपको बता रहे हैं, अयोध्या मथुरा वक्फ बोर्ड क्या होता है? अरे वक्फ बोर्ड वो उन्हीं के लोग का होता है, अरे उसमें किसका नियंत्रण होता है? वही तो हमने कहा आपसे, चौबे जी बताइए कितने नियंत्रण में है, मैं आपसे कहां उसका पैसा लगता है, मंदिरों का पैसा कहां लगता है, उसका विकास क्यों नहीं होता? सरकार जो आप उसको लेती है, विकास कराए उसका, अब विकास हो रहा है, अब अयोध्या जी का विकास हो रहा है, अब का बाबा काशीनाथ का विकास हो रहा है, अब मथुरा जी का विकास हो रहा है। किसने मना किया है? अरे तो आपने क्यों नहीं किया? अरे आपने क्यों नहीं किया? देश में जरूरतें थी विकास की, गरीबी दूर करने की। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे देश में शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत थी, हमारे देश में सड़कों को लाना था, हमारे देश में बिजली की जरूरत थी, वो दिया गया। आपकी सरकार में कितने बने और हमारे सरकार में कितने बने, इसका भी आंकड़ा देख लीजिए, जनता देख रही है। जो है चौबे जी, एम्स कितने आपकी सरकार में बने, कितने हमारे सरकार, बिल्कुल बोले तो कागज में। अब मैं मेडिकल कॉलेजों की बात कर, इनके, हाँ, इनके जो मेडिकल कॉलेज हैं, हर नेताओं के जब ट्विटर आप देखेंगे, ट्विटर हैंडल पे सबकी संख्या अलग अलग। अब उस अलग अलग संख्या में चौबे जी कह रहे हैं हमने ये किया, अब यही तो देखना है कि निर्माणाधीन, निर्माणित या चालित, इसमें जो अंतर है, सबके मतभेद, अमित शाह जी कुछ और, योगी जी कुछ और, कोई कुछ और। तो आप इस जो फैलाया जा रहा है उसको स्वयं समझ सकते हैं। और जो दूसरी बात, चौबे जी तेज बोलने से इसका मतलब नहीं तो कि आप किसी बात दबा लेंगे, सत्य आज नहीं कल समझ में आएगा। उन और आप जानते हैं जनादेश नहीं, आपकी जनता ने 50% वोट ही नहीं आप किया। सच बोलते हैं तो जनता आपकी नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानी। अगर झूठ बोल रहे हैं, मान रही, तो आप झूठ उन्मादी है, आपका झूठ उन्मादी है, आपका झूठ उन्मादी है। हिंदुओं को कटवा दिया पूरा, उन्मादी है। मैं हिंदू हूँ, बैठी हूँ, मुझे गर्व है। कैसी बात करते हैं आप लोग? आप कौन होते हैं? मुझे हिंदू है, मुझे धर्म से बांटने वाले। संजयपुर वाले के लिए कौन रो रहा था? जो आतंकवादी जो बदला कौन रो रहा था? नहीं तो रोने दीजिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? राजू, आतंकवादियों के लिए कौन रो रहा था भाई? आतंकवादियों के लिए रोना चाहिए या उनके प्रति क्रोध की भावना आनी चाहिए, उनको सजा देने की भावना आनी चाहिए? दीजिए सजा, किसी ने मना किया? रो क्यों रहे थे भाई आप? किसी आतंकवादियों के लिए कौन रोता है? रोना आया तो ये देश और समाज देख रहा है, क्रोध आ रहा है, देश की जनता देख रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सचिन सिरोहा, क्या कहना चाह रहे थे आप मुजफ्फरनगर दंगों पर? चौबे जी कुछ कह रहे थे तो आपने कुछ कहना चाहा था उस दौरान, क्या कह रहे थे आप? मैं चौबे जी बात कहना चाह रहा था, 2013 आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है।
मैं ये कह रहा था कि मैं मुजफ्फरनगर शांति होटल से आता हूँ और उस दंगे के दंश को हमने लेना है और उस दंगे में जो हम लोगों ने खोया है वो हम ही जानते हैं। चौबे जी को मैं बता दूं, तो बहुत ज्यादा बोलने से आदमी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता। मुजफ्फरनगर दंगों में जितने आरोपी हुए सारे भाजपा नेता हुए और सबको आपने सम्मान। सचिन गौरव कौन है जरा इनसे पूछिएगा। चौबे जी सुन लीजिए, बस बीच में मत बोलिए। सारे दंगाइयों को जितने उसमें जो लिस्टेड हुए सबको आपने मिनिस्ट्री देने का काम किया, टिकट देने का काम किया, सबको अवार्ड देने का आप लोगों ने काम किया। ये हिंदुस्तान क्योंकि जी हमसे मिलके बनता है, हम यानी कि हिंदू और मुसलमान, ये गुलशन है महात्मा गांधी का, चौधरी चरण सिंह जी का, लोहिया जी का, और इस गुलशन को आप आवाज रखने का काम करें। आज सत्ता में है, कल नहीं होंगे। और आप बात करें आज गन्ना किसान उत्तर प्रदेश का, जहाँ बकाया भुगतान से पीड़ित है, वो शादियां नहीं कर पा रहा अपने बच्चों की, फीस नहीं दे पा रहा है, आप उन मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहते। हमारे विधायक आज गन्ना मंत्री से मिले और बात रखी अपनी, लेकिन आप लोग बेसिक मुद्दों को छोड़ के सिर्फ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे, इन पे आप माहौल को ले जाना चाहते हैं। आप देश को विकास की ओर नहीं विनाश की ओर लेके चले गए। हिंदुस्तान जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की। सचिन भाई चौबे जी कुछ कह रहे हैं। चौबे जी देखिए, यदि आप विकास पर भी आएंगे और किसानों की भी बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना इन 5 सालों में माननीय योगी जी के नेतृत्व जितना काम किया है या जितना किसानों के हित के लिए काम किया है वो आपकी पूर्ववर्ती सरकार, और आपको भी याद होगा आपके सहयोगी की जो सरकार थी, आपने गन्ना भुगतान 5 साल में कितना किया था। नहीं आप बताइए ना, मैं हम गन्ना भुगतान की, अभी आपने गन्ना भुगतान की बात कही उसी पे हम बात कर रहे हैं। आप बताइए कि 2017 से पहले गन्ना का भुगतान भाई, अब यही है ना कि आप सच को भी नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी बात ही रखना चाहते हैं। आपसे मैंने पूछा कि आप ये बताइए, आप जिनके सहयोगी हैं, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा है, उन्होंने 2012 से 17 तक कितने करोड़ मतलब कितने गन्ना भुगतान किया था, कितना किया था? 17 से 22 तक की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है आप लोगों। नहीं हमारी थी, तभी तो हम कह रहे हैं। अरे सुनिए तो, वही तो हम कह रहे हैं। अरे सुनिए तो भाई, वही तो हम कह रहे हैं कि 17 से पहले कितना हुआ था और 2022 तक कितना हुआ था। मात्र 90,000 करोड़ हुआ था भुगतान गन्ना किसानों का, और हमारी सरकार में 5 सालों में 158,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तो बताइए किसने अधिक किया, आपने किया कि हमने किया? सुनिए, किसानों का सम्मान निधि, सम्मान किसानों को साल में 6,000 रुपए सम्मान निधि किसने दिया, आपने दिया कि हमारी सरकार ने दिया? जी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात कहते रहते दूसरे की सुनते। दरअसल सच्चा ये है कि आप लोगों को झूठ की ट्रेनिंग देके डिबेट पर भेजा जाए। आप लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, इससे आप लोगों के पास होते नहीं, जमीन की जानकारी आप लोगों को जी, जी। अरे खाता ना बही, जमीन पे खाता भी है बही भी है, तब भी हम झूठे, और आपके पास ना खाता है ना बही है और आप सच्चे। हम खाता बही के साथ बोल रहे हैं कि हमने इतना किया। ठीक है नहीं, आपके पास ना खाता ना भाई। ठीक है, मोदी जी और योगी जी, ठीक है सुधा जी, आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आरबी उपाध्याय जी, सर मैं ये कह रहा था, आपकी कौन सी ऐसी बात थी जो इमरान लतीफ को बुरी लग गई और वो कहने लग गए कि आप भी एक पार्टी का पक्ष रख रहे हैं? देखिए होता है, ये कोई नई बात नहीं है, सुबह से शाम तक चार चैनल पर बैठते हैं तो कभी किसी पार्टी के प्रवक्ता हो जाते हैं, कभी किसी के। ये राजनीति का चरित्र है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। अभी किसानों की बात हो रही थी कि भी किसानों का कायाकल्प कर दिया। किसान कल भी कर्जदार था, आज भी कर्जदार है, कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है, सभी जिम्मेदार। आजादी के इतने सालों बाद भी किसान अगर कर्जदार है और आत्महत्या कर रहा है तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है। जिस रेशो में महंगाई बढ़ी, जिस रेशो में वेतन भत्ते बढ़े, उस रेशो में किसान की उपज का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, और इसीलिए नहीं बढ़ाया गया कि महंगाई बढ़ जाएगी। गेहूं 1947 में किस रेट में था जब आजाद हुआ देश, और उसके बाद तनख्वाहें कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ी, और किसान के अन्न का दाम कितना बढ़ा, वो एक क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लगता है। सब किसान के भले की बात करते हैं और किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कह रहे 6,000 रुपए दे रहे हैं। 6,000 रुपए से किसान का भला हो जाएगा? अगर 6,000 रुपए से किसान का भला हो रहा होता
तो मेरे ख्याल से वो आंदोलन नहीं करता। इससे बीजेपी का काफी भला हुआ है, लेकिन देखिए बीजेपी का कितना भला हुआ कितना, ये एक कहते हैं गलत फहमी है। आप देखेंगे सीटें घटी हैं, ये नहीं है कि सीटें बढ़ी हैं। तो ये सब कहें कि भी किसान खुश है, जनता खुश है, ये समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के रेट जैसे रेटों में बढ़े हैं। आप ही कहते थे भी हम महंगाई घटाएंगे, लेकिन महंगाई तो बढ़ी, उसे नकारा नहीं जा सकता। जो यथार्थ है वो यथार्थ रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता है। और कौन सी इंडस्ट्री लगी नहीं मुझे बता दें, तुम जहां से रोजगार मिलेगा, कहीं कोई रोजगार नहीं। और कोरोना काल के बाद जो रोजगार गए थे, आज तक वो काम धंधे ठीक नहीं हुए, हर व्यक्ति परेशान है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक मंथन की जरूरत सरकारों को है, और बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। ये कह देने देखिए, जब बीजेपी की सरकार आई थी उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे ट्यूबवेल के सिंचाई के रेट बढ़ा दिए बिजली के, और अब जब इलेक्शन आया दोबारा से विधानसभा का, तो फिर उस पर सब्सिडी लीपापोती शुरू हो जाती है कि भाई इसको हम आधा कर देंगे, इसको फ्री दे देंगे। फ्री देंगे कहां से, वो भी तो जनता का पैसा है। तो देखिए एक बार फ्री के नाम पर आप राशन के नाम पर या दूसरे किसी फ्री के नाम पर जीत सकते हैं। बार बार मैं यही कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, दीवार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, आज नहीं कल। ये कह देने भर से नहीं होगा, गरीब हटाओ का नारा कांग्रेस ने भी दिया था, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब आज भी है। तो क्यों है गरीबी हट गई? किसान के लिए किसान आयोग तक नहीं है, वेतन आयोग है, एससी एसटी का आयोग है, किसान का कोई आयोग नहीं है, देखिए आज तक नहीं बनाया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की किसी ने आज तक, कौन जिम्मेदार है? सत्ता में सब रहे हैं, अपने लिए चार चार पेंशन लेंगे और सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर, ये विडंबना है। जनता बहुत माइंडू की बात कर रही है, देख रही है, और समय आने पर जवाब जो जनता की अदालत है वो देती है और न्याय करती है। सत्ताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आज कोई जीतेगा कल कोई हारेगा, लेकिन जो समस्याएं हैं उनका निदान होना चाहिए, उनका निराकरण होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ होता क्या है, टिकट भी मिलेंगे तो जाति धर्म के आधार पर बांटे जाएंगे, फला जाति का व्यक्ति वहां रहता है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे बता दें राजनीति में कौन सा ईमानदार है? राजनीति का जितना भ्रष्टाचार हो सकता है राजनीतिक लोग करते हैं, साक्ष्य देते हैं, और तो और एक लिमिट फिक्स कर दिया कि 100 करोड़ वसूल करके लाने हैं, 5 लाख की लिमिट है, 50 लाख खर्च करते हैं, कहां से लेके आते हैं? वो काला धनी होता है, वो भ्रष्टाचार का पैसा होता है। और इसीलिए राजनीति व्यवसाय हो गई, वो कहते फैक्ट्री लगाने से कोई फायदा नहीं है, एमएलए बन जाओ बहुत पैसा कमा लेंगे। ठीक ठीक, तो राजनीति का जो चरित्र है वो बहुत दूषित हो गया है जी। और जिस 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 मुद्दे पर हमें लग रहा है कि हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी किसी एक राजनीतिक दल को हम आरोपित नहीं ठहरा सकते या नहीं कह सकते कि उनकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, लगभग सभी का इसमें हाथ है, जो स्थितियां उत्पन्न देश प्रदेश में हो रही है, सभी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं नितिन उसके लिए। बिल्कुल। और मैं फिर वही कहूंगा कि देखिए कुछ लोग जो बाहर से आते हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं, वो लोग अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी हरकतें करते हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता है। हमारे यहाँ जो मुस्लिम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से रहता है और राष्ट्र के आगे बढ़ाने में सहयोग करता है, लेकिन कुछ लोग जो बांग्लादेश से या रोहिंग्या आ जाते हैं या फिर पाकिस्तान से, वो लोग माहौल खराब करते हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मुरादाबाद। तो देखिए सबको अगर आपको भाईचारा बना के रखना, एक साइड से नहीं होगा, बहुत साइड होना पड़ेगा, दोनों साइड होना। भाई वही इलाका क्यों संवेदनशील होता है जहां एक वर्ग विशेष के लोग रहते हैं, एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं, वो इलाका संवेदनशील हो जाता है, क्या कारण है? तो सोचने की जरूरत है, ठीक है, कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो आज इस डिबेट के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दिल्ली में ये सब जो हुआ है इसका कारण कौन था, किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई और देश में ऐसा माहौल क्यों फैल रहा है। लेकिन निकल कर एक बहुत अहम चीज़ ये आई है कि ये सिर्फ हम जो भी ये घटनाएं हो रही हैं ये हम किसी एक के ऊपर नहीं थोप सकते, किसी एक को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। देश प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको आगे आ करके एक दूसरे को
साथ खड़ा करके देश के सौहार्द पर चर्चा करनी चाहिए और सबको साथ रखना चाहिए ताकि प्रदेश और देश उन्नति की ओर आगे बढ़े। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।